मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। अक्सर बारिश के मौसम में मन कुछ चटपटा और मसालेदार खाने का करता है ना, और अपनी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए हम अक्सर रास्ते से पकौड़े या फिर कुछ खाने की चीज़ें ले लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं, आपकी आदत, आपकी ये चाहत आपकी सेहत पर भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में इन्फेक्शन होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। तो अगर आप बारिश के मौसम में बीमार होने से बचना चाहते हैं तो आपको मानसून के मौसम में कुछ चीज़ों को खाने से परहेज़ ही करना चाहिए। और वो चीज़ें कौन सी हैं, चलिए ये हम आपको बताते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गोलगप्पों की। जी हाँ, अक्सर शाम के समय ज़्यादातर लोगों का मन गोलगप्पे खाने का करता है, लेकिन मानसून में ऐसा करने से बचें, क्योंकि बारिश के मौसम में गोलगप्पे खाने से आप इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। अब बात करेंगे फ्रूट चाट की। अक्सर लोग अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क किनारे बिकने वाली फ्रूट चाट खा लेते हैं। डॉक्टरों की माने तो ऐसा करना सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बारिश के मौसम में कभी भी बाहर खुले में रखे हुए कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। बात करेंगे नींबू पानी की। सड़क किनारे बैठे नींबू पानी वाले से शिकंजी पीने से पहले इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि वो शिकंजी किस पानी में बन रही है। याद रखें कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन गंदे पानी की वजह से ही होता है, इससे आप कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। बात करेंगे रोड पे मिलने वाले स्ट्रीट फूड आइटम की। जी हाँ, स्ट्रीट फूड आइटम भूख मिटाने का सबसे टेस्टी और इंस्टेंट तरीका है, लेकिन बारिश के दिनों में खुले में मिलने वाले ये फूड आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बारिश के मौसम में इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि बाहर खुले में खाना ना खाएं। उम्मीद करते हैं मानसून के इस सीज़न में इन बातों का ख्याल रखते हुए, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए आप उन सभी चीज़ों को इग्नोर करेंगे जिनका अभी हमने जिक्र किया। तो ये थी कुछ खास जानकारी आपकी सेहत को लेकर। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और ख़ास जानकारियों के साथ। फ़िलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।